वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में जो हम बात करने जा रहे हैं, भारत की मुख्य समस्या क्या है। आज यह एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो सोचा कि आप लोगों के बीच शेयर किया जाए और इसका समाधान क्या है मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से भारत की समस्याओं, विश्व की समस्याओं के बारे में आप लोगों के बीच बताते रहता हूँ और उसका सुझाव देता हूँ। सुझाव यही है, करना हमें ही है और सुधार कैसे कर सकते हैं। भारत की जो सबसे मुख्य समस्या है वो भूख है, और भारत में भूखमरी इतनी है कि आप लोगों को क्या बताया जा सकता है। बिहार से लेकर पूरे भारतवर्ष में अधिकतर लोग जो कि भूखे मर रहे हैं। इसकी यह जो कि सबसे बड़ी समस्या है, ये भारत की बदनामी भी होती है इस वजह से इंटरनेशनल स्तर पर। तो इसकी समाधान क्या है? देखिए, समस्या तो सभी को दिखता है लेकिन समाधान पर कोई बात नहीं करता है। और समाधान कोई बड़ा चीज़ है नहीं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। समाधान बहुत छोटा है और इतनी बड़ी भूखमरी से हम निजात पा सकते हैं, और उसका एक ही सलूशन है, समानता। पूंजीवादी व्यवस्था खत्म करना, नेपोटिज्म को ख़त्म कर देना, इलीगल वर्क बंद कर दीजिए, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। भारत की चुनाव प्रणाली को बंद कर दीजिए, भारत की फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दीजिए। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि सारा सलूशन है, बस समस्या यही है। इस समस्या को आप लोग जिस दिन बंद कर देंगे, और जिस दिन आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि भारत से पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म ही करना होगा। क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि भारत में 80% जनसंख्या भूखे मरती है और 20% जनसंख्या के पास सबसे ज़्यादा रुपया है। भारत से क्रिकेट को आपको बंद करना होगा, भारत की फिल्म इंडस्ट्री को आपको बंद करना होगा, भारत की चुनाव प्रणाली में सुधार करना होगा। जिस दिन आप ये कर देंगे, उस दिन भारत से भूखमरी मर जाएगी। जिस देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, उस देश में आज भी फिल्में बनती हैं या नहीं बनती है? बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि किसी लोगों ने, पूंजीपति वर्गियों ने अपना एक अलग समाज बना रखा है। भारत में लोग, लाखों लोग गरीबी से मर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा हमें जारी है। लेकिन फिर भी भारत में क्रिकेट मैच आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि पूंजीपति वर्गों ने को बस एक ही सोचे कि हम कैसे भी अपना पैसा आते रहे, जनता मरे चाहे कुछ भी करें। भारत में लाखों लोग मरते हैं लेकिन चुनाव प्रत्येक 5 साल पर होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि भारत की सारी पब्लिक प्लेसेस मुर्दा है। क्योंकि सभी व्यक्ति बस एक ही ध्येय है कि मेरा पेट कैसे भी भर जाए। लोग इस बात पर आज तक ना मीडिया बात करती है, मीडिया समस्याएं दिखाती है लेकिन समाधान की बात करती है? एक भी मीडिया ने क्या भारतवर्ष में गरीब से मर रहे, जूझ रहे लोगों के पास जाकर अपनी एक वीडियो की कमाई दी है? नहीं। तो जिस दिन इस चीज को आप लोग समझेंगे, उस दिन भारत से सब चीज मिट सकता है। ठीक है, भारत से गरीबी को मिटाना है तो पूंजीपति वर्गों को मिटाना पड़ेगा। ये जो भी मैं बातें कहता हूं क्लियर और स्पष्ट करता हूं, मुझे घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे राजनीतिक फायदे नहीं, बल्कि अगर मैं एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को समाधान बता रहा हूं। समाधान, समस्या कुछ नहीं है, भारत में चुनाव तक नहीं होना चाहिए। किस लिए चुनाव हो रहा है? गरीबी खत्म करने के लिए। तुम चुनाव बंद कर दो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। यहां से सोचिए, चुनाव क्यों होता है? गरीबी खत्म करने के लिए। गरीबी खत्म हो सकती है सिर्फ चुनाव को बंद कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंबानी का पैसा भरना है ना, पूंजीपति वर्ग बनाना है ना, और अंबानी को यदि आप लोग चाहते, जानते होंगे, ये मानते होंगे कि देश के अमीर व्यक्ति है और उनको उद्योग है, तो ये गलत है। उन्होंने भारत के पेट्रोलियम यूज करते हैं,
और पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, भले इस पर देश के लोग ना बोले लेकिन यह एक तरीके से जुर्म है। तो बात यही है, आप लोगों का क्या है मेरे विचार पर, अपना राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा ये सुझाव है, एज अ नागरिक मैं किसी को टोकता नहीं हूँ, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो भी जनता है या फिर जो भी राजनेता है उनको ये लगता है कि मैं गरीबी ख़त्म कर सकता हूँ, तो तुम गरीबी कभी नहीं ख़त्म कर सकते हो जब तक भारत से राजनीति नहीं ख़त्म होगी। ये भी मैं लिख कर देता हूँ और ये जिसके पास भी वीडियो पहुँच जाए उनको मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ, जिस दिन भारत का चुनाव रुक जाएगा उस दिन भारत से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारा पैसा चुनाव में फेंका जाता है। रियलिटी इज अ रियलिटी, कोई जाकर पढ़ ले और कोई जाकर देख ले। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।